नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर दुर्गेश सिंह स्वयं की तरफ से तथा अपने संस्थान के सभी सहयोगी साथियों की तरफ से टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी ज्योग्राफी के तैयारी के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज की बातचीत शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों को लेकर सहज करना चाहता हूं और आपके अंदर एक पैशन को जनरेट करना चाहता हूं वो इस तरीके से संबंधित है जैसे बहुत आज के दौर में रोजगार एक संकट है हम और आप सभी लोग इस तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं कि जल्दी से हमें रोजगार मिले क्योंकि रोजगार से ही हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है लेकिन चूंकि आप सब लोगों ने शिक्षक बनने का निर्णय लिया है तो सिर्फ आपके अंदर एक स्पार्क पैदा हो आपके अंदर एक जुनून पैदा हो आप अपने इस दायित्व तो को लेकर ये समझने का प्रयास करें कि केवल एक ये रोजगार नहीं है बल्कि उससे बढ़कर एक चीज है आइए समझिए कि कैसे आपका आपने जो जिम्मेदारी ली है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आप को एक रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन इसके साथ आप ये सोचिए कि अगर आप लोग मान लीजिए औसत आयु आप में से 30 वर्ष भी अगर होगी 25 से 30 वर्ष के बीच की आयु के, के लोग यहां होंगे और अगर अगली आगामी परीक्षा में वो लोग लो सफल होते हैं तो अगले 30 सालों तक माध्यमिक स्तर के भूगोल की दशा और दिशा क्या होगी वो सब आप लोगों के हाथ में सुनिश्चित है अगले तीस पीढ़ियां भूगोल में क्या सीखेंगी वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे भूगोल के इस ज्ञान को संदर्भित करेंगी ये आपके हाथ में है तो आप केवल एक रोजगार की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप एक ऐसी जिम्मेदारी को लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सबसे अधिक सहायक है तो आप सभी को मैं अपनी शुभेक्षाएं प्रेषित करता हूं और आगे के क्रम में बातचीत करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हैं तो उस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे उसकी योग्यता में हम धारण करते हैं या नहीं करते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है कट ऑफ कितना जाता है प्रश्नों का स्तर कैसा होता है अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उस परीक्ष परीक्षा की या जो आयोग ये परीक्षा करा रहा है जो संस्था ये परीक्षा करा रही है उससे आपकी डिमांड क्या है ठीक है आप तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसमें सफल होने के लिए एक उचित प्रबंधन के लिए सफलता के लिए जरूरी है कि आप उस परीक्षा के स्वरूप को समझें कि वो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का स्तर क्या होगा इसी क्रम में हम सबसे पहले बातचीत आप लोगों से शुरू करते हैं और बातचीत शुरू करने से पहले अगर हम यहां ध्यान दें तो लगभग यहां पर तीन कैटेगरी के, के लोग हैं पहले वो लोग हैं जिन्होंने बी की उपाधि धारण की है साथ ही में उन्होंने बी कर रखा है क्लियर है दूसरे उस कैटेगरी के, के लोग हैं जिन्होंने बी भी किया है एम भी किया है उसके बाद उन्होंने बी की उपाधि धारण कर रखी है और तीसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी केवल अपनी परासनातक की उपाधि धारण कर रखी है तो इन तीनों कैटेगरी के, के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रिविलेज क्या है हम आपको बताते हैं जिन लोगों ने भी बीए और बीएड एक साथ कर रखा है बीएड की उपाधि के बाद बीएड की उपाधि धारण कर रखी है वो लोग टीजीटी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल एमए कर रखा है तो जिस विषय से उन्होंने अपनी पर स्नातक की उपाधि हासिल की है उसी विषय में वो पीजीटी की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है और एक समूह ऐसा भी है जिन्होंने बी ए किया एम ए किया उसके बाद बी एड किया ठीक है ऐसे लोगों के पास ये प्रिविलेज है कि वो टी जी टी भी दे सकते हैं और पीजीटी भी दे सकते हैं बात क्लियर है तो इस हम आगे के क्रम में आपसे ये बात करेंगे कि टी जी टी की परीक्षा में ये ग्रुप कैसे हैं, सोशल साइंस ग्रुप में कौन से विषय होने चाहिए किन अगर आपके वो विषय हैं तो उनके आधार पे आप सोशल साइंस ग्रुप में परीक्षा दे सकते हैं पीजीटी के लिए तो जिस विषय से आपने स्नातक कर रखा है जैसे यहां हम पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी के लिए एकत्रित हुए हैं तो अगर आपने ज्योग्राफी में एमए की उपाधि धारण कर रखी है तो आप पीजीटी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं आइए इससे पहले बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं देखिये यहां पर ये टीजीटी सोशल साइंस का ग्रुप खुला हुआ है इसमें ये बात एक समझने लायक है कि टीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं इनमें कुछ ग्रुप्स का निर्धारण होता है जैसे जो लोग हिंदी से देते हैं तो उसके लिए अनिवार्य विषयों का एक संयोजन है कि अगर आप हिंदी संस्कृत होना चाहिए उसी तरह सोशल साइंस विषय के लिए अगर आपका ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस भूगोल है राजनीति विज्ञान है उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे आपका हिस्ट्री इतिहास है और चौथे नंबर पे इकोनॉमिक्स अगर इन चार विषयों में से किन्हीं भी दो विषयों के साथ अपने आपने स्नातक की उपाधि को हासिल किया है जैसे मान लीजिए कि मेरा अपने स्नातक में मैंने भूगोल लिया था और इकोनॉमिक्स लिया था उसके साथ इंग्लिश लिटरेचर था तो भूगोल और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से मैंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया तो इसका मतलब यह है कि अगर इन चार विषयों के संयोजन में से कोई भी दो विषय में आपने स्नातक की उपाधि धारण की है तो आप इस परीक्षा को देने के लिए इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आप इलिजिबल हैं बात समझ में आ रही है यहां पे एक प्रश्न आप प्रतियोगी छात्रों की तरफ से जरूर पूछा जाता है कि क्या सर ही इस परीक्षा में इस प्रश्न पत्र में क्योंकि चार विषयों के प्रश्न रहेंगे और उनमें से दो विषयों के प्रश्नों का चुनाव करके आपको इस परीक्षा को हल प्रश्न पत्र को हल करना है तो वो लोग ये पूछते हैं कि सर अनिवार्य तौर पर मान लीजिए हमने भूगोल की पढ़ाई अपने ग्रेजुएशन में नहीं की हमने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेकर अपनी पढ़ाई की थी तो क्या ये जरूरी है कि हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का ही प्रश्न पत्र हल करें या इन्हीं विषयों के प्रश्नों का चुनाव करें तो ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए आपने पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के को लेकर अपनी स्नातक की उपाधि धारण की है हासिल की है लेकिन आप इस परीक्षा में शामिल होने के लिए भूगोल का चुनाव करना चाहते हैं तो आप भूगोल विषय से भी इस परीक्षा को दे सकते हैं तो आइए इस क्रम में हम आपसे बात कर लें इससे पहले पिछले साल जो परीक्षा हुई आयोग ने उत्तर प्रदेश में टीजीटी परीक्षा का आयोजन उत्तर माध्यमिक शिक्षा से चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है तो इससे पहले इस परीक्षा में पिछली जो परीक्षा संपन्न हुई है उससे पहले इस परीक्षा में एडिटर्न परीक्षा के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी देना पड़ता था लेकिन पिछली बार के नोटिफिकेशन के आधार पर इस परीक्षा से इंटरव्यू को हटा दिया गया है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग जो एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम में आपके 125 सवाल आते हैं 125 सवाल आपको यहाँ पूछे जाते हैं और हर सवाल जो है क्या कहते हैं चार नंबर का होता है तो लगभग ये परीक्षा दो घंटे आपको समय दिया जाता है और ये परीक्षा पांच सौ नंबर की होती है तो सारा दारो मदार एक प्रश्न पत्र जिसमें एक सौ पच्चीस सवाल पूछे जा रहे हैं हर सवाल पांच नंबर का है चार नंबर का है किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पर पूरी तरीके से आपका सिलेक्शन आप इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर ढंग से इस प्रश्न पत्र में परफॉर्म करते हैं वहीं पर अगर देखा जाए जो बात हमने आपको यहाँ पे बताई थी कि रिटर्न एग्जाम पूरी तरीके से इसमें रिटर्न एग्जाम है और रिटर्न एग्जाम के, के अलावा किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन का वेटेज नहीं है तो जितना बेहतर परफॉर्मेंस आप रिटर्न एग्जाम में देंगे उतना ही अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित करेंगे उतना ही अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित करेंगे तो हम आगे के क्रम में अभी हम आपसे पीजीटी में पीजीटी के पाठ्यक्रम को लेकर बातचीत कर लेते हैं इसके बाद हम आपको आपसे पीजीटी की परीक्षा का डिस्कस कर लेते हैं फिर एक बड़ा ही प्रतियोगियों के बीच में बड़ा ही चर्चा का विषय रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी कट ऑफ कितना होना चाहिए है। हम अपनी तैयारी कहाँ से करें अच्छा अगर इतने प्रश्न इतने अंक हम अर्जित कर रहे हैं तो क्या हम सफल हो जाएंगे उन पर भी हम बात कर लेंगे वहीं अगर हम पीजीटी परीक्षा की बात करें पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें तो आप देखिए कि इस परीक्षा में जो है आपका पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा ठीक है उस रिटर्न एग्जाम में अगर आप उत्तीर्ण करते हैं उस उसके बाद आपका एक इंटरव्यू आयोजित होगा उसके बाद आपके पास अगर किसी भी तरह की एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है जैसे आपने पीएचडी की उपाधि धारण कर रखी है आपने बीएड कर रखा है आपने एमएड कर रखा है तो उनके आधार पर कुछ वेटेज है इन्हीं वेटेज के आधार पर वो अंक आपके जुड़ जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में और पूरे जो पूर्णांक बनेगा आगे हम आपको समझा रहे हैं कि ये चीजें कैसे होंगी अगर यहां देखिए तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसमें 125 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनका 125 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जिनका टोटल पूर्णांक होगा 425 नंबर दो घंटे की ये परीक्षा होती है ठीक है टीजीटी हो या पीजीटी हो इनमें जो प्रश्नों का स्तर रहता है वो प्रश्नों का स्तर दो कैटेगरी का होता है दो या तीन कैटेगरी के प्रश्न होते हैं पहली बहुत सरल मतलब एक प्रश्न ऐसे आते हैं जो तो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के होते हैं अगर आपकी तथ्यों पर पकड़ सुनिश्चित है जैसे मान लीजिए कि, कि किसी देश की राजधानी पूछ लीजिए ली गई किसी नदी पर किनारे अवस्थित नगर का नाम पूछ लिया गया आपसे किसी अनुक्रम दे दिया गया कि इस ऊंचाई के आधार पर आप इसकी हेरारकी को सेट करिए तो इस तरह के प्रश्न सिंपली ये है कि अगर आपको उन तथ्यात्म उन तथ्यों की समझ है वो आपको कंठस्थ है तो आप उनको हल कर पाएंगे अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे उस प्रश्न को आप सही कर सके दूसरे जो सवाल होते हैं वो संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि के होते हैं कि अगर पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है तो क्या परिवर्तन आएगा घूमना बंद कर दे पृथ्वी अपने अक्ष पे तो किस क्या परिस्थितियां बन जाएंगी अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपनी परिक्रमा ना हो रही होती तो कैसा स्वरूप होता इस तरह के या अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की बजाय अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी घूम रही होती तो समय में क्या अंतर आता तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपकी संकल्पनात्मक समझ कितनी विकसित है उन्हीं के आधार पर आप इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं तो अगर पीजीटी में देखिए तो जो है क्या कहते हैं 125 सवाल आपसे पूछे जाते हैं दो घंटे का एग्जाम होता है और इसमें जो है क्या कहते हैं 425 अंकों का पूर्णांक होता है इसके बाद अगर इस परीक्षा में आ, इस परीक्षा में इस लेवल पे आप उत्तीर्ण कर जाते हैं आप जो भी आ, कट ऑफ है उसको उसके ऊपर आपके अंक होते हैं तो आप इसका जो द्वितीय चरण है इंटरव्यू का चरण इसमें आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होता है उसमें आप शामिल होते हैं तो देखिए यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका 425 नंबर का है मतलब जैसे 500 नंबर का पूर्णांक है आपकी पूरी परीक्षा का तो पचासी परसेंट जो हिस्सा है वो निश्चित कर रहा है कि इसमें रिटर्न एग्जाम पे वही इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है मतलब जो 10 परसेंट पोर्शन है वो आपका इंटरव्यू कवर कर रहा है और 5 परसेंट मार्क मतलब 25 नंबर जो है आपकी वो इस बात पे निर्भर कर रहे हैं कि आपके पास किस तरह की एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है अगर आपसे हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये जो पोर्शन है 85 परसेंट का ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अगर जितने भी क्वेश्चन जैसे अगर आपने परीक्षा में दो प्रश्न सही किए तो लगभग छह दशमलव आठ नंबर आपके बढ़े तो दो प्रश्नों को सही करना तैयारी अगर हमारी सही है तो दो प्रश्नों को सही करना आसान है लेकिन इंटरव्यू में छह से दस नंबर या आठ नंबर की लीड लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी हमारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो पिछले परिणाम आए हैं उनके आधारों पे हमने ये बात देखी है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनमें बहुत अधिक रेंज या बहुत अधिक वेरिएशन नहीं दिखता है तो आग, कुल मिला के हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि जितना अधिक बेहतर परफॉर्मेंस आप अपनी लिखित परीक्षा में करेंगे उतना ही बेहतर आपका परिणाम आएगा उतनी ही जल्दी उतने ही आप अपने सिलेक्शन के निकट होंगे तो यहां पर हमने आपको ये बात समझाई कि आपका जो 85 फाइव परसेंट मार्क्स है वो डिपेंड कर रहा है आपके रिटर्न एग्जाम पे ठीक है 10 परसेंट नंबर यानी कि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और इसमें लोगों को लगभग जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको चालीस प्लस नंबर मिल जाते हैं चालीस से अधिक नंबर उनको मिल जाते हैं या ऐसा पाया गया है कि सिलेक्शन सिलेक्शन में जो लोग हैं उनको 35, सैंतीस अड़तीस चालीस बयालीस पैंतालीस सैतालीस तक के 45 तक के नंबर मिल जाते हैं तो मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अगर उनके इंटरव्यू की लिस्ट निकाली जाए उनका रेंज देखा जाए तो वो रेंज जो है पांच नंबर आठ नंबर इससे ज्यादा की रेंज नहीं है तो दो क्वेश्चन की लीड अगर आप करते हैं तो लगभग अगर आपके इंटरव्यू में कम नंबर भी आ रहे हैं तो आप उसको कोप अप कर सकते हैं वहीं जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात है वो पांच परसेंट अंक आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन पे है जो कि आप रिटर्न में कितने अंक पाए हैं आपने इंटरव्यू में कितने अंक अर्जित किए हैं उसके बाद आपकी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो क्या है जैसे मान लीजिए कि मैंने बी पीएचडी कर रखी है तो जैसे पीएचडी के दस अंक निर्धारित हैं तो मुझे पीएचडी के दस नंबर यहाँ मिल जाएंगे अगर आपने बीएड कर रखा है तो उसके पांच अंक हैं इसी तरह एमएड आपने किया है बी एमएड दोनों की है तो उसके कुछ अधिमानी अंक हैं तो इन्हीं अंकों के आधार पर इन्हीं सब के आधार पर जो आपकी टोटल मेरिट बनती है उसी में आप जितने अंक अर्जित करेंगे उससे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसी के आधार पर आप अपनी चॉइस फिल करेंगे और आप मेरिट लिस्ट में जितना अधिक ऊपर होंगे आपको अपनी मन चाहिए जगह पे पोस्टिंग प्राप्त करने में उतनी ही सहायता प्राप्त होगी ठीक है अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो यहाँ पर चर्चा का अक्सर खूब चर्चा की जाती है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा देखिए कट ऑफ दो तीन चीजों पर सुनिश्चित करता है जैसे कि माध्यमिक जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड है हर साल परीक्षा आयोजित कराने में सक्षम नहीं होता है अक्सर आप देखिए तो एक कभी कभी ये अंतर एक साल से दो साल और तीन साल भी हो जाता है और एक आध बार के अनुभव ऐसे रहे हैं कि ये चार या पांच साल भी का अंतर देखने को मिला है तो कुल मिला के ऑफ के विषय में मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई परीक्षा 2021 में आयोजित हुई और अगली परीक्षा आयोग ने आयोजित की 2024 में तो तीन पीढ़ियां ऐसी हैं तीन पीढ़ी के लोग ऐसे हैं तीन जनरेशन ऐसी हैं जो वो जो जरूरी योग्यताएं हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको एक्वायर करके आपके साथ कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कटऑफ सुनिश्चित करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें यहां इंपॉर्टेंट हैं कि एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जो उस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और दूसरे नंबर पे जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगती है कि जो पेपर आया था उसकी कठिनता और सरलता का स्तर कैसा है पेपर कठिन प्रकृति का था पेपर सरल प्रकृति का था पेपर में संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि के प्रश्न ज्यादा थे या तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तथ्य ज्यादा थे या इन दोनों तथ्यों संकल्पनाओं और तथ्यों का मिश्रित स्वरूप के आधारित प्रश्न थे ठीक है इस तरह के प्रश्नों के आधार पर अगर मान लीजिए अगर जो कट ऑफ सुनिश्चित होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होते हैं और पेपर की सरलता और कठिनता का स्तर क्या था मेरा अपना जो अभी तक का अनुभव है प्रतियोगी परीक्षाओं का और आपको तैयारी में शामिल होने के दौरान मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और मैंने ये पाया है कि एक साल के अंतर पर यह बहुत एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है ऑब्जर्वेशन पर आधारित है लेकिन मोर और लेस एक दो साल के अंतर पर अगर कोई भी परीक्षा आयोजित हो रही है और उस परीक्षा में मान लीजिए कि जैसा स्तर पेपर का पिछले साल था उसी साल दो साल पहले था उसी साल अगर उसी स्तर का पेपर इस साल भी है तो भी जो कट ऑफ है उसमें प्लस पांच का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है तो अगर दो से तीन साल बाद परीक्षा आयोजित की जा रही है एक से दो साल का अंतर है तो मान लीजिए अगर सिलेक्शन पिछली बार पंचानवे प्रश्नों पर हुआ था तो इस बार बहुत संभावना है कि वो सौ से अधिक प्रश्नों की ओर ही कट ऑफ आपका जाएगा तो हम यहां मिनिमम कट ऑफ की आपसे बात नहीं करेंगे हमारा और संस्थान इस चीज के लिए हम और संस्थान इसलिए प्रति इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारी जो तैयारी का पैटर्न हो हमारा जो तैयारी का तरीका हो उस तैयारी के तरीके में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा टारगेट क्या है जैसे कि संस्था के नाम में ही टारगेट है ठीक है और लगभग 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस संस्था पे एक भरोसा जताया है तो हमारा जो हमारा फोकस ही टारगेट पे हमेशा रहता है तो टारगेट हमारा यह है कि अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की बात कर रहे हैं ठीक है तो एक बेयर मिनिमम सोशल साइंस में मिनिमम अगर आप प्रश्नों की बात करिए तो लगभग सौ से एक प्रश्न मिनिमम प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं और अगर आप पीजीटी जोग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि मिनिमम अगर आप सौ प्रश्न टारगेट करके चल रहे हैं तो ही आप स्वयं को ये मानकर चलिए कि लगभग हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इस परीक्षा में जरूर सिलेक्ट होंगे हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा तो इस ये मिनिमम है इसके ऊपर जितना भी स्कोर आप करेंगे जैसे मान लीजिए कि आप बढ़कर यहां पर 105 हो गए या आप बढ़कर यहां पे 110 हो गए तो आप उतना ही अधिक सिक्योर करेंगे अपने सिलेक्शन को इसलिए हमारा यहाँ टारगेट ये है संस्थान भी प्रतिबद्ध है इसलिए कि आपकी तैयारी इस तरीके से कराई जाए इस तरीके से चीजों को आपको समझाया जाए कि आप सौ से अधिक प्रश्नों को बड़ी सहजता से सरलता से हल कर सकें और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें अब आइए हम बात कर लेते हैं कि संस्थान ने क्या मैप तय कर दिया है आप कहेंगे सर ये तो चलिए कि सारी बातचीत समझ में आ गई लेकिन आपका रोड मैप क्या है आप किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे ठीक है या आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या है तो संस्थान के में हम लोगों ने एक मीटिंग की उस मीटिंग में ये चीज तय हुआ है कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसमें आप में चूंकि टीजीटी और पीजीटी दो टीजीटी टी सोशल साइंस और पीजीटी जी जोग्राफी के दोनों ही समूह के बच्चे हैं तो इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पीजीटी के जो बच्चे हैं उन्होंने निश्चित तौर पर भूगोल की पढ़ाई अपने अकेडमिक्स में कर रखी होगी टीजीटी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने भूगोल की पढ़ाई अपने अकेडमिक्स में नहीं कर रखी होगी लेकिन परीक्षा में एक विषय के तौर पर आप भूगोल को शामिल करना चाह रहे हैं तो हमारा अगला रोड मैप ये है कि अगले दस पंद्रह क्लासेज में जो भी मूलभूत संकल्पनाएं हैं भौतिक भूगोल की मानव भूगोल की विश्व के भूगोल की और भारत के भूगोल की जहां से प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर आपकी एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए उनसे उनसे जो भी प्रश्न पत्र प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर एक चर्चा हो जाए तो हम आपकी क्लास में कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे उसके बाद बीच बीच में हम आपके टेस्ट लेंगे आपके डाउट क्लियर सेशंस होंगे जैसे जैसे हम परीक्षा के नजदीक आते जाएंगे हम लोगों ने यह तय किया है कि क्विक रिवीजन रिवीजन में मैराथन क्लासेस जो थोड़ी बड़ी क्लासेस होंगी और उनमें तेजी से हम रिवीजन करेंगे लगातार सात आठ ऐसे रिवीजन वीडियोस भी लेकर चलेंगे जैसे मान लीजिए हमने पांच टॉपिक आज चुने तो इन पांचों टॉपिक्स पे हम तेजी से क्विक रिवीजन करते जाएं और उनके उन पिछले वर्षों में आए हुए पर प्रश्नों पर चर्चा करते जाएं तो आगे चूंकि आज ये पहली बार आपसे बातचीत हो रही है तो इन विषयों पर हम और डिटेल में आपसे डिस्कस करते रहेंगे लेकिन संस्थान प्रतिबद्ध है कि आपकी पहले समझ विकसित हो जाए फिर आप कुछ ऐसे प्रश्नों को देखिए कि जो समझ विकसित हुई है उनके आधार पर आप उन प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम हैं या आपके सामने कठिनाई आ रही है अगर कठिनाई आ रही है तो उनको क्लियर करने के लिए आपके डाउट क्लियर सेशंस हों इन सेशंस के बाद आपका टेस्ट आयोजित किया जाए जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें और चूंकि एक विषय पढ़ते हैं दूसरा विषय पढ़ते हैं इस तरीके से टॉपिक्स पढ़ते चले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले दूसरे टॉपिक्स पे रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम से कुछ पहले इस तरह की जो मैराथन रिविजन क्लासेस हैं उनका आयोजन हम यहाँ पर करेंगे तो ये संस्थान का अपना एक रोड मैप है इससे संबंधित डिटेल आपको और भी जो भी मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो आपसे और भी बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे आपके डिस्क्रिप्शन में ये बातें ये प्रोग्राम दिया रहेगा जहां से आप इसको ये डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं आप जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर बात कर सकते हैं तो अभी तक हमने आपसे विषय परीक्षा का स्वरूप प्रश्न पत्र का स्वरूप उन पर बातचीत की आज हमारा प्रयास ये है कि हम आपसे भूगोल पर कुछ बातचीत करें उनकी कुछ समझ आपसे विकसित करें खासकर जैसे जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं अक्षांश रेखा क्या होती है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं ग्रेट सर्किल क्या है स्मॉल सर्किल क्या है उसके बाद क्या कहते हैं समय का निर्धारण कैसे होता है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तिथियों का निर्धारण कैसे होता है कैसे तिथियां बदल जाती हैं या हम हवाई जहाज या यात्रा करते हैं पता चलता है कि हम चल रहे हैं सोमवार को और हमें पहुंचना चाहिए था मंगलवार को और हम पहुंचे बुधवार को तो इस तरह की कुछ संकल्पनाओं पर कुछ कॉन्सेप्ट पर आपसे बातचीत हम यहां करेंगे लेकिन उस बातचीत से पहले हम आपसे भूगोल विषय की बातचीत हो और भूगोल क्या है भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है वाई जोग्राफी मैटर्स इस पर अगर चर्चा ना करें तो वो बहुत ही समीचीन नहीं होगा तो अगर आप ये देखिए अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि भूगोल क्या है अपने एलिमेंट्री एजुकेशन की या एनसीआरटी की पहली किताबें जब हम लोग उठाते हैं तो हमें वहां पर सिंपल एक परिभाषा मिलती है कि भूगोल का पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है ठीक है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी संकल्पना है एक बहुत बड़ी चीज है कि पृथ्वी का वर्णन और पृथ्वी में कौन सी चीजें समाहित हो रही हैं, उन पर बातचीत की जाए ठीक है तो उनका वर्णन ही भूगोल है शुरुआती बहुत से भूगोल ने तय करना शुरू किया कि हम हम किस उपागम को लेकर कर चलेंगे और हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या होगा इस विषय में कि हम इस विषय का उद्देश्य यह है कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और 24 2500 सौ सालों के इतिहास में भूगोल के आज भूगोल विषय आप यकीन मानिए कि अगर कहीं पर भी कहीं भी किसी जगह की भी भौगोलिक समझ आपको क्लियर है या आप वहां की भौगोलिक समझ रखते हैं तो आप उस जगह के बारे में पचास प्रतिशत से ज्यादा अंदाजा कि वहां की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं किस तरह की होंगी आर्थिक पहलू किस तरीके से होंगी राजनीतिक सुदृढ़ता होगी या नहीं होगी किस तरह की चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ सकता है कि क्योंकि अगर आप भूगोल की बात देखिए ये संपूर्ण विश्व का नक्शा आपके सामने है और अगर आप यहां देखिए तो हर स्थान हम आपको अभी कुछ उदाहरण भी देंगे हर स्थान एक दूसरे से अलग है हर स्थान की अपनी एक अलग पहचान है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है कहीं पर कुछ सुविधाएं हैं कहीं पर कुछ सुविधाएं नहीं है लेकिन हर एक रीजन अपने आप में एक यूनिक रीजन है तो तमाम ऐसे ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये जो अंतर है और ये अंतर क्यों है ये अंतर क्यों होता चला जा रहा है ठीक है और एक, एक जो अंतर परिलक्षित करने वाले ये अलग अलग देश हैं या अलग अलग, अलग महाद्वीप है या कोई भी दो स्थान है मान लीजिए हम अमेरिका की बात करें हम यहाँ यूरोप की बात करें हम यहाँ पे यूएई की बात करें तो ऐसा क्या है जो इस जगह को एक दूसरी जगह से अलग कर रहा है और अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है इसी का वर्णन जो है वो भूगोल कहलाता है आइए आप लोग एक सुन यहाँ पे एक टर्म यूज होता है नेचुरल सेटिंग्स ठीक है कहीं पर की प्राकृतिक विशेषताएं किस तरीके की हैं जैसे मान लीजिए कि अगर आप इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र के हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा तो आपका खान पान भी उसी तरह का होगा आपके रहन सहन शारीरिक बनावट शरीर का रंग बालों की प्रकृति सब कुछ भूगोल तय कर रहा है वहीं पर तो ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहीं की प्राकृतिक दशाएं किस तरीके की हैं वही ये तय करती हैं कि वहां के सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक पहलू किस तरह के होंगे जिनको हम भूगोल की परिभाषा में सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं जैसे एक छोटा सा उदाहरण अगर हम आपको यहां देखिए तो आपके सामने जैसे ये यूरोप है तो यूरोप की अपनी भौतिक विशेषताएं इस तरह की हैं वहां संसाधनों की उपलब्धता हो चाहे उसकी अपनी अवस्थिति हो कटा फटा हुआ जो तट है वो है वहां के जो लोग हैं उनकी अपनी जो कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर बहुत डीप रूटेड है वो उसको एक अलग पहचान दे रहा है और वहाँ के डेवलपमेंट में वहां के कल्चरल लैंडस्केप में इन नेचुरल आइडेंटिटीज का या इस नेचुरल सेटिंग का या इस प्राकृतिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वही सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत मजेदार उदाहरण आपको हम देना चाह रहे हैं अगर आप देखिए तो ये जो रीजन है यू ए यहाँ पर एक छोटा सा मतलब छोटा सा क्या छोटा है एरिया में लेकिन अपनी पहचान को लेकर आज मोहताज नहीं है दुबई एक ऐसा देश है जो अगर भौतिक स्तर पर देखिए नेचुरल सेटिंग्स पर देखिए तो वहां केवल मरुस्थल है और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि मरुस्थल में अगर हम हैं तो मतलब वो वहां की सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए या सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण के लिए या वहां पर जीवन यापन करना उतना सहज सरल और आसान नहीं है जितना कहीं पर अगर हम जलोड़ मिट्टी के मैदान समतल मैदानी क्षेत्र में हैं लेकिन आप विश्वास मानिए कि केवल एक संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम जो इनकी जमीन के नीचे मिल रहा है उसने इनको इतना संपन्न बना दिया है कि आज इनके में ऐसी गाड़ियां दौड़ रही हैं जिनका हम और आप सपना देखते हैं कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम वो गाड़ियां खरीदेंगे उनको वहां रेत में दौड़ा रहे हैं क्यों जैसे हम लोग गांव में अक्सर कह रहे भैया उनकी जमीन के नीचे तेल निकलता है तेल का मतलब सिंपल ये हुआ कि कोई भी एक रेयर संसाधन जो कहीं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास के लिए अगर मान लीजिए कि उसकी वो उसका भंडारण उसका उत्पादन कुछ देशों के पास सीमित है तो निश्चित तौर पर जो है क्या कहते हैं बाजार में उनकी मांग बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है और अपने मरुस्थलीय प्राकृतिक सेटि, सेटिंग्स वाले एरिया में भी आज इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े एम्यूजमेंट पार्क पार्क बना रखा है जो पूरी तरीके से मानव निर्मित है तो हमारा आपको समझाने का या आपको कनेक्ट करने का क्योंकि आप सब टीचर बनने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये बात समझें कि हम क्यों कहीं का जो नेचुरल सेटिंग्स है ठीक है वो वहां की कल्चरल आइडेंटिटी को या कल्चरल लैंडस्केप को या वहां की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को किस तरीके से निर्धारित कर रही हैं इन्हीं का अध्ययन जो है क्या कहते हैं भूगोल का मूलभूत उद्देश्य है ये कहा जाए कि भूगोल की परिभाषा है या भूगोल यही भूगोल है तो अगर सरल शब्दों में ये कहिए कि जो भी पृथ्वी का परिवर्तनशील स्वरूप है इसी का जो हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं वही हमारा भूगोल है उम्मीद है आप भूगोल की परिभाषा को लेकर यहाँ बहुत स्पष्ट हुए होंगे आगे की ओर अगर हम बढ़े तो आइए जो आज, आज आपके सिलेबस में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण विषय है जहां से मूलभूत स्तर पे अभी तक की जो बात थी वो तो भूमिका थी अब हम आइए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं पहला विषय पहला टॉपिक आपके उसमें दिया गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है देखिए शुरू शुरू में जो शुरू के भूगोल थे जब भौगोलिक समझ या इतना पृथ्वी के बारे में जानकारी बहुत सीमित थी तो लोग ये मानकर चलते थे कि सूर्य जैसे निकल रहा है और दूसरी तरफ वो देखते थे कि जाके डूब जा रहा है तो लोगों को एक भ्रांति थी इस बात की कि यार सूर्य एक दिशा में निकलता है समुद्र से फिर समुद्र में जाके डूब जाता है लेकिन धीरे 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 जब लोगों ने ऑब्जर्व किया तो उनके सामने ये दो प्रतिरूप दिखाई दिए जैसे मेडिट्रेनियन सी में एक नाविक था जो अपने जहाज से जा रहा था उसने अपने डेक से टेलीस्कोप की मदद से देखा तो उसको ये दिखाई दिया कि यार जो दूरी पर स्थित एक जहाज जा रहा है वो उसका जो डेक है यहाँ पे ये जो डेक है ये पानी में डूबा हुआ दिख रहा है अगर आप ये बात देखिए मतलब अगर एक फिगर से समझाएं तो अगर मान लीजिए समुद्री सतह एकदम समुद्र समतल पे कोई जहाज दूसरी जगह जा रहा था तो उसका ये डेक डूबा हुआ नहीं दिखना चाहिए ये हमको एकदम अपने ही समानांतर दिखना चाहिए ये तभी संभव है कि जब ये सरफेस हमारी क्या हो ये घुमावदार हो कर्व हो पहला तो इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किए उन लोगों ने, ने देखा कि यार ऐसा तो तभी पॉसिबल है दूसरी चीज यह है कि अगर ऐसा था कि ठीक है मेज नुमा है या तस्तरी नुमा पृथ्वी की सतह है जिसमें एक जगह से सूरज निकल रहा है और दूसरी जगह डूब जा रहा है तमाम ऐसे जो भी समुद्री यात्राएं करने वाले लोग थे उनको ये लगता था कि अगर हम जहाज लेके इधर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो किनारे से हमारा जहाज गिर जाए उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए सूरज डूब गया है तो उसके डूब जाने के बाद हमें अंधकार हो जाना चाहिए लेकिन वो लोग ये ऑब्जर्व करते थे कि फिर भी सूरज के डूबने के बाद भी आसमान में हमको कुछ इस तरह की लालिमा दिखाई देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कहीं से उसकी जो रोशनी है वो बादलों में ये जो है जो हमें दिख रहे हैं ये जो लाल जैसे अक्सर शा, शाम को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सनसेट के बाद भी आसमान में बादल जो है हमें वो सुनहरे गोल्डन कलर के इस तरह के दिखाई देते हैं और ये तभी संभव है जब जो है क्या कहते हैं पृथ्वी का आकार कर्व लिए हुए हो गोलाकार हो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर लोगों ने यह तय किया कि नहीं कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की सतह है वो फ्लैट नहीं है वो कर्व में जरूर है या गोलाकार जरूर है उसी के बाद जो एक्चुअल में पृथ्वी की सतह को लेकर जो तमाम अध्ययन किए गए और लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह पाया कि जो पृथ्वी का आकार लगभग कुछ इस तरह का है जो इमेज आपके सामने है अगर हम इसका यहां का व्यास देखें तो व्यास हमारा लगभग बारह किलोमीटर है वहीं पर अगर आप नॉर्थ साउथ ये आप देख रहे हैं तो ये बारह किलोमीटर है तो पृथ्वी एक संपूर्ण गोला अगर होती तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता लेकिन ये अपने भूमध्य रेखा दे के आसपास के क्षेत्रों में या बीच वाले यहां पर आपका व्यास ज्यादा है और नॉर्थ साउथ स्थितियों में आपका व्यास यहाँ पे कम है तो इस तरह की आकृति के लिए जो टर्म यूज किया जाता है अक्सर आपके परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो इस तरह की आकृति के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो जियोइड यूज करते हैं और ये माना गया कि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है तो आपने भौतिक में ये पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि अगर कोई भी चीज कोई भी गोल सरफेस अपने उस पर घूम रही है तो वो बीच वाले हिस्से में कुछ बलजी हो जाती है कुछ मोटाई या फैलाव लिए हो लेती है जबकि ऊपर वो थोड़ा सा चपटापन देखने को मिलता है तो इस तरह की आकृति को एक टर्म जियाइड यूज होता है तो इसके लिए बहुत सटीक हिंदी शब्द कहीं नहीं मिलता है लेकिन कुछ किताबों में इसके लिए भूआब भूआब के आकार का मान लिया जाता है या जियाइड का जो आकार है तो कहीं पर भी अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में खास कर इस तरह के कई बार प्रश्न आपके टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में पूछे गए हैं तो आपको इस जो विकल्प चुनना है वो ये चुनना है कि पृथ्वी का स्वरूप या आकार कैसा है तो पृथ्वी का आकार जी के आकार का है आगे आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं देखिए अगला जो महत्वपूर्ण विषय आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में दिया गया है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में है कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है अगर मान लीजिए अगर हम आपसे ये बात कहें अभी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल मान लीजिए कि यहां कुछ नहीं दिख रहा है यहां कुछ नहीं दिख रहा है पूरा बोर्ड खाली है और अगर हम आपसे ये कहें कि अच्छा ये बताइए ये जो हमने डॉट रखा है ये कहाँ पे है बात क्लियर है अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए ये डॉट कहाँ पे है तो आपके सामने अगर कोई भी रिफरेंस ना हो मान लीजिए ये किनारा नहीं होता या बोर्ड का ये किनारा नहीं होता या अगर कोई भी किनारा नहीं होता तो आप ये संदर्भ सुनिश्चित नहीं कर पाते कि ये कहाँ पे है शुरू शुरू में जो हमारे भूगोलवेदता थे उन लोगों के सामने भी इस तरह की चुनौती आती थी कि शुरू में जब उन्होंने अपनी अन्वेषण यात्राएं की वो लोग जगह जगह जब गए तो किसी भी तरह के जो भौतिक प्रदेश मिलते थे या जो भौतिक नेचुरल आइडेंटिटी कोई भी मिलती थी जैसे कहीं झील मिला कहीं तालाब मिली तो वो लोग उसको नोट कर देते थे कि अच्छा यहाँ पे अपने अपने तरह के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग नक्शे बनाए और उसमें वो किसी भी प्राकृतिक जो है स्थान को नदी नाले नदी झील पर्वत पठार को रेफरेंस करके उससे ये बताने की कोशिश करते थे कि ये उससे इधर है तो असल में जो एक्चुअल समस्या आती थी कि बिना किसी रेफरेंस के बिना किसी एक रेफरेंस लाइन के जैसे हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए हमको यहां से विश्वविद्यालय जाना है तो आप जो भी पता हमें बताएंगे आप बताएंगे ठीक सर आप यहां से टेम्पो पकड़िए सिविल लाइन जाइए सिविल लाइन से आप इधर जाएंगे तो कंपनी गार्डन होते हुए हिंदू हॉस्टल चौराहा आएगा वहां से फिर आप विश्वविद्यालय के लिए जा सकते हैं तो असल में इस एक स्टेटमेंट में अगर ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि कई बार जो है क्या कहते हैं कई अलग अलग रेफरेंस यूज हुए हैं जिनके आधार पर आप सिविल लाइन से विश्वविद्यालय पहुंचने में आपको आसानी हुई है तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये बिंदु कहां है तो आपको बहुत स्पष्ट बता पाने में आप सक्षम नहीं हैं। वहीं पर अगर हम एक लाइन यहां खींच दें कि अच्छा ये बताइए ये हमने एक लाइन यहां खींच दी तो आप कहेंगे कि हाँ सर जो काली वाली लाइन आपने खींची है उससे ऊपर ये बिंदु अवस्थित है लेकिन फिर भी ऊपर तो यहां भी है यहां भी है ये एरिया भी ऊपर में आता है ये एरिया भी ऊपर में आता है तो आपके लिए फिर बहुत दिक्कत होगी फिर अगर हमने कहा अच्छा और आप सटीक हम आपको एक बता दे रहे हैं कि हमने एक लाइन ऐसे खींच दी तो आप ये कहेंगे हाँ सर जो हरी वाली लाइन है उसके इधर है और काली वाली लाइन के मतलब हरी वाली लाइन से मान लीजिए कि ये पांच कदम की दूरी पे है और काली वाली लाइन से ये चार कदम की दूरी पे है तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए हमने अपनी लोकेशन चेंज कर दी तो अभी हम हरी वाली लाइन पे तो बने हुए हैं लेकिन काली वाली लाइन पे हमारी लोकेशन क्या हुई बदल गई उसी तरीके से अगर हम इन स्थितियों आपको मैं उदाहरण से और हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं तो अभी हमने आपसे जो बातचीत की थी कि कहीं किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए हमें क्या करते हैं कुछ ही एक रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है उन्हीं रेफरेंस की बदौलत हम बहुत आसानी से किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं तो इसी तरह की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसी तरह की व्यवस्था के लिए जो है क्या कहते हैं कुछ इमेज काल्पनिक रेखाओं का एक ग्रिड तैयार किया गया पूरे पृथ्वी पर इसी ग्रिड प्रणाली को ही हम अच्छांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं आइए उसको थोड़ा और सरल तरीके से हम आपको समझाते हैं जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी है बात क्लियर है पृथ्वी है तो पृथ्वी जो है क्या कहते हैं ये एक काल्पनिक रेखा है और इसी काल्पनिक रेखा के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इस दिशा की ओर क्या कहते हैं घूम रही है तो यहां का ये जो बिंदु है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और ये जो बिंदु है इसे हम साउथ पोल कहते हैं बात क्लियर है तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उसी को हम क्या कहते हैं अक्ष कहते हैं एक्सिस कहते हैं बात क्लियर है तो ये जो काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है इसका ये बिंदु जो है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और ये बिंदु साउथ पोल कहलाता है अगर इसी को इसी पृथ्वी को बीचों बीच कोई ऐसी रेखा हो जो इसको बीचों बीच ये डिवाइड करे जिससे ये वाला दोनों पृथ्वी का जो उत्तरी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा है वो आधे आधे हिस्से में बढ़ जाए जैसे आप कभी नींबू काटते हैं जैसे आप अपनी सलाद में नींबू खाने के लिए नींबू को बीचों बीच से काटते हैं निचोड़ने के लिए तो अगर आपने इस तरीके से काटा तो ये जो हमारी रेखा कहलाती इसी को हम विश्ववत रेखा कहते हैं यही हमारी विश्वत रेखा है इक्वेटर इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं तो विश्व उत्तर या दक्षिण में कोई अवस्थित उत्तर या दक्षिण में विश्व अवस्थित किसी भी स्थान का मान लीजिए कि कोई स्थान ये है इस स्थान की चाहे वो उत्तरी ये जो रेखा के उत्तर वाला हिस्सा है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा रेखा के जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं तो कोई भी स्थान जो रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित है वो विश्वत रेखा से कितनी कोणी दूरी पर है यही उस जगह का अक्षांश रेखा कही जाती है थोड़ा सा आप सरल भाषा में समझिए आपके सामने यहाँ दो तरह के फिगर हैं पहला फिगर ऐसा है जैसे आप सलाद के लिए प्याज को काटते हैं ऐसे मतलब उध्धर रेखाओं के आधार पर आप छतिज रेखाओं के आधार पर आप काटते हैं जैसे ये है प्याज के आप गोल गोल सर्किल्स में डिवाइड करते हैं तो इस तरह की जो रेखाएं खींची जा रही हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं कही जाती है ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं तो अगर आप यहां देखिए तो विश्ववत रेखा से उत्तर या दक्षिण में अवस्थित किसी भी स्थान की वहां से जो कोड़ी दूरी है वही हमारी अक्षांश रेखा है जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्थान है तो यहां से वो कितने अंश का कोण बना रहा है अभी हम इस उदाहरण में भी आपको समझा देंगे तो इस तरह इसको मिला दें अगर हम पूरी पृथ्वी पर एक ऐसे काल्पनिक रेखा खींच दें तो हमारी मान लीजिए ये तीस डिग्री है तो तीस डिग्री अक्षांश की अः तीस डिग्री अक्षांश रेखा होगी तो कुल मिला के हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि विश्वत रेखा के उत्तर या दक्षिण में अवस्थित कोई भी स्थान विश्वत रेखा से कितने अंश का कोण बना रहा है इसी से यह तय होता है कि हमारी वो अक्षांश रेखा कौन सी अक्षांश रेखा है इसी तरीके से उत्तरी अगर यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हमारी होती हैं अगर आप देखिए तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले जो काल्पनिक अर्धवृत्त हैं इस तरह की जो व्यवस्था है इस तरह का जो काल्पनिक अर्धवृत्त बन रहे हैं ठीक है ये हमारी देशांतर रेखाएं कही जाती हैं अब जब विश्वत रेखा का निर्धारण हमने कर लिया अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हमने कर लिया तो यहां से आप ये देखिए कि मान लीजिए कि ये जीरो डिग्री आपकी मान लीजिए ये विश्ववत रेखा है जीरो डिग्री रेखा है अब कोई भी बिंदु यहां या कोई भी स्थान मान लीजिए इस जगह अवस्थित है तो आपके लिए यह आसानी हो गई कि अब आप ये बता सकते हैं कि जो स्थान जो प्लस चिन्ह है वो रेखा के उत्तर में अवस्थित है वहीं जो माइनस चिन्ह है हमारी विश्वत रेखा से दक्षिण में अवस्थित है तो उत्तर दक्षिण के निर्धारण के लिए तो ये सुनिश्चित हो गया कि अक्षांश रेखाएं हमारी बड़ी सहायक हुई कि हाँ ठीक है मान लीजिए कि, कि किसी भी विश्वत रेखा से जितनी भी कोणी दूरी पर वो स्थान है वो उस स्थान की अक्षांशी लोकेशन हो गई वही वो अक्षांश हो गया लेकिन एक संदर्भ ये आया कि चलिए ठीक है हमने उत्तर इससे नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक अर्धवृत्त खींचे ये हमारी देशांतर रेखा हुई लेकिन भाई पृथ्वी तो गोल है तो बिना किसी एक रिफरेंस वाली लाइन के हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा हिस्सा पूर्व में है और कौन सा हिस्सा पश्चिम में है तो इसके निर्धारण के लिए तमाम भूगोल बेताओं ने एक मीटिंग की लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो गुजरने वाली मध्यान्ह रेखा थी या देशांतर रेखा थी उसी को हमने प्राइम मेरिडियन कहा तो वो हमारी जीरो डिग्री की प्राइम मेरिडियन हो गई प्रधान मध्यान रेखा हो गई बात समझ में आ रही है तो अब अगर अक्षांश रेखाओं की परिभाषा में जैसे हमने आपको ये बताया था कि कि विश्ववत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थित स्थान की जो विश्वत रेखा से कोणी दूरी है उसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं उसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि देशांतर रेखाओं की परिभाषा बताइए तो प्राइम से ईस्ट या वेस्ट में स्थित कोई भी स्थान रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी है वही उस दिशा दिशा रेखा का मान होता है तो अगर आप सलाद जिस तरीके से कटी होती है जैसे आप अपने खाने भोजन में सलाद काटते हैं अगर आप उस तरह को देखिए जैसे ये व्यवस्था है तो इसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं वहीं अगर आप कभी संतरे को छील के रख दीजिए तो आपको एक ऐसा हल फलियां अलग अलग दिखाई देती हैं जो लगता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं तो इस तरह की जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें हम जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं और इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बना हुआ जो ग्रिड है जो भी एक निर्देशांक बन रहा है जो भी एक काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बन रहा है उसे हम ग्रिड कहते हैं अब अब आपको एक बात यहाँ पे ये समझा दें कि अब मान लीजिए कि जीरो डिग्री वाली प्रधान मध्यान्ह रेखा हमने निश्चित कर ली और हमने निश्चित कर लिया इक्वेटर बात समझ में आ रही है तो ये जीरो डिग्री इक्वेटर अक्षांश रेखा हो गई और ये हमारा जीरो डिग्री देशांतर रेखा हो गई ठीक है अब इसके इस भाग में अवस्थित जो भी स्थान होगा वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा माना जाएगा और इसके इस भाग में अवस्थित जो भी हिस्सा होगा वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा माना जाएगा दूसरी चीज अगर मान लीजिए कि ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके इधर आप हैं, ठीक है तो आप पूर्वी गोलार्ध में माने जाएंगे ठीक है और इस, इस स्थान के इधर अगर आप हैं, तो आप पश्चिमी गोलार्ध में माने जाएंगे बात क्लियर है तो इस तरीके से हर स्थान की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई जैसे आपको हम एक उदाहरण से यहां समझा रहे हैं ठीक है जैसे मान लीजिए कि आपके पास अब इस तरह की एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल सुनिश्चित हो गया एक उदाहरण के तौर पर हमको आपको समझा रहे हैं कि इस तरीके से एक जाल सुनिश्चित हो गया अब मान लीजिए कि यहां पर कोई अवस्थित कोई स्थान है ये स्थान यहां पर है मान लीजिए कि ये हम जो रेड डॉट है आपको दिखाई दे रहा है अगर ये स्थान इस यहां पर है और मान लीजिए कि ये जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है और ये जीरो डिग्री वाली देशांतर रेखा है तो इस इस जगह का अपना एक अक्षांशी मान होगा और एक देशांतरी मान होगा मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर ये इसको देखें तो इस जगह का अपना एक अक्षांशी और देशांतरी मान होगा मान लीजिए कि हम एक कदम इधर बढ़ गए हम यहां आ गए तो जो है क्या कहते हैं हमारा अक्षांश वही है लेकिन देशांतर रेखा हमारी क्या हुई बदल गई उसी तरीके से मान लीजिए अगर यहां से हम एक कदम यहां आ गए तो हमारा अक्ष देशांतर रेखा तो वही है लेकिन अक्षांश रेखा बदल गई कुल मिला के आपको समझाने का जो मूलभूत उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी स्थान है मान लीजिए ये कोई स्थान है अगर यहां से आप ये इक्वेटर है यहां से मान लीजिए आप इस ओर आगे बढ़े तो आपकी जो अच्छांसी स्थिति है वो बदल गई ठीक है और अगर आप इस जगह से एक कदम इधर आ गए तो आपकी देशांतरी स्थिति बदल गई अच्छांश वही रहा यहां से आप आगे बढ़ गए तो आपकी अच्छांसी स्थिति बदल गई देशांतर वही रहा तो मतलब हर एक लोकेशन हर एक जगह पृथ्वी पर चाहे वो कहीं पर भी अवस्थित हो उसकी अपने एक यूनिक कोऑर्डिनेट्स होंगे अपना एक यूनिक मान होगा जो किसी दूसरी जगह का नहीं होगा अगर वो एक अक्षांश को कर रहा है तो देशांतर बदलेगा और देशांतर अगर सुन, वही संदर्भ वही सुनिश्चित है तो वो अच्छांश का मान आपको बदल जाएगा तो इस तरीके से जो आपका जो सिस्टम है यहां हमने आपको एक फिगर के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है अगर आप देखिए यहां पे ये यह देखिए अगर आप इस फिगर में देखिए तो ये आपकी जो है क्या कहते हैं ये जो रेखा है ये ये आपका इक्वेटर है और कोई ये पी लोकेशन है मान लीजिए ये तो इन दोनों के बीच में जितने डिग्री का कोण बन रहा है वही इस जगह का मान होगा मान लीजिए इन दोनों के बीच में तीस डिग्री का कोण बन रहा है तो ये जो पूरी लाइन है ये तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा होगी उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखिए तो ये जो क्यू बिंदु है ये प्राइम मेरिडियन पे है और ये जो पी बिंदु है तो इन दोनों के बीच में जितने अंश का कोण बन रहा है मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में अगर 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये माना जाएगा ये 40 अंश उत्तरी या पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा है यह डिपेंड करेगा कि वो जीरो डिग्री जो भी प्रधान मध्यान रेखा है उसके किस हिस्से में है अगर मान लीजिए कि यह जीरो डिग्री प्रधान मध्यान रेखा है और उससे वो इधर है तो यह पश्चिमी गोलार्ध हुआ और अगर इसके वो इस हिस्से में है तो वो हमारा पूर्वी गोलार्ध हुआ तो इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर क्या कहते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स को निश्चित किया गया ठीक और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के आधार पर ये संदर्भ अब सुनिश्चित हो गया कि कोई भी एक जो लोकेशन है उसकी अपना एक निश्चित अक्षांशीय और देशांतरी मान होगा अक्षांश की, की कोऑर्डिनेट्स होंगे और देशांतर के कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसके आधार पर हमें किसी भी जगह को बताने के लिए किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए किसी भी जगह के विषय में लिखने के लिए कोई भी असुविधा नहीं होगी तो ये जो पूरी व्यवस्था कहलाई इसी को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं उम्मीद है कि संकल्पनात्मक तौर पर आपके पास एक इसकी एक समझ विकसित हुई होगी वहीं अगर यहां से इन इन इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहाँ से डिस्कस कर लें। जैसे एक डिग्री अक्षांश रेखा का अगर अंतर कहीं पर है तो वह जमीन पर लगभग 111 किलोमीटर की दूरी को डिनोट करता है और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती खींची जा सकती हैं तो अनंत अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं अनेकों अनेक अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं कई जगह पर ये प्रश्न पूछा जाता है संदर्भित करके कि एक एक डिग्री के अंतर पर हम कितनी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींच सकते हैं तो देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो जीरो डिग्री से लगभग नाइन्टी यहाँ तो नदन हिमस्पियर में नब्बे सदन हिमिस्पियर में नब्बे और एक आपकी विश्वत रेखा होती है बात समझ में आ रही है तो कहीं कहीं पर इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें एक सौ इक्यासी को आंसर मान लेते हैं और कुछ जगह ऐसे भी प्रश्न आए हैं जो बाद में आयोग ने अपने आंसर दिया उसमें एक्सप्लेनेशन में ये था कि जो नब्बे डिग्री वाला है वो तो हमारा डॉट होता है तो हम उसको रेखा कैसे मान लें ठीक है तो आप क्या करेंगे इन दोनों से एक एक घटा के तब आप इनकी संख्या को लिखते हैं ऐसा एकाति बार ऐसे प्रश्न आए हैं तो बहुत ज्यादा इनकी जटिलता में फंसने की जरूरत नहीं है अगर आपसे ये एक डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है और इनकी संख्या अगर एक एक डिग्री के अंतर में पूछी जाती है तो प्रश्न के स्वरूप के आधार पर आप अपने विकल्प का चुनाव करेंगे यहीं पर अगर आप देशांतर रेखाओं के बीच में देखिए तो चूंकि देशांतर रेखाएं क्या हो रही हैं ध्रुवों की ओर जाने के जाते समय एक दूसरे के आसपास आती जा रही हैं तो इन्हीं आसपास आने के कारण विश्ववत रेखा के पास तो मान लीजिए कि अगर ये विश्ववत रेखा के पास तो इनके बीच की दूरी अधिकतम है लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है और एक एस्टिमेट है उस एस्टिमेट के आधार पर अगर आप इक्वेटर से 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाइए तो जहां इक्वेटर पर लगभग 111. कुछ किलो दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111. कुछ किलोमीटर की दूरी आ, मिलती है वहीं लगभग ये दूरी 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ जाते-जाते तक लगभग आधी 55. कुछ किलोमीटर के आसपास हो जाती है तो ये ये आपका अक्षांश और देशांतर देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमने अपने पूरे पृथ्वी पर एक ग्रिड सिस्टम को डेवलप किया कैसे हमने वो ग्रिड बनाए जिसके आधार पर जैसे हम कुछ प्राकृतिक संकेतकों या प्राकृतिक रेफरेंस पर आधारित थे उसकी बजाय अब हमारे पास अपना एक काल्पनिक देशांतरी और देशांतर रेखाओं का और अक्षांश रेखाओं का जाल हो गया जिसकी वजह से हर जगह अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई यही पर आप आपके प्रश्न पत्र में दो सवाल और पूछे जाते हैं ग्रेट सर्किल और स्मॉल सर्किल ग्रेट सर्किल और स्मॉल सर्किल तो असल में मान लीजिए कि कोई भी प्लेन सरफेस है इसका सबसे अच्छा उदाहरण समझने के लिए आप कोई भी एक कागज का टुकड़ा लीजिए और उस टुकड़े को आप अपने ग्लोब में ग्लोब में लगाइए तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा हिस्सा जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने पृथ्वी के हिस्से को लीजिए और एक कागज के टुकड़े को किसी भी प्लेन सरफेस को अगर आप करते जाइए तो वह गोला जो इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है वो आपका ग्रेट सर्किल कहलाएगा और अगर कोई भी गोला ऐसा है मान लीजिए कि कोई भी सरफेस ऐसी है जिसमें एक गोला छोटा और एक दूसरा हिस्सा बड़ा हो रहा है तो उस तरह को उस उस तरह के उदाहरण को हम क्या कहते हैं हम स्मॉल सर्किल कहते हैं इसमें बहुत बार आपसे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि क्या विश्वत रेखा एक ग्रेट सर्किल है तो हाँ विश्वत रेखा एक ग्रेट सर्किल है क्योंकि ये आपके दो बराबर हिस्सों में पूरे पृथ्वी को या पूरे ग्लोब को बराबर बांट दे रहा है लेकिन और जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं और जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारे स्मॉल सर्किल के उदाहरण हैं तो यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं किसी भी देशांतर रेखा पे अगर आप कोई समतल सतह को ऐसे रखिए तो पूरे ग्लोब को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटेगा आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर रहेगा तो सभी देशांतर रेखाएं हमारी वृहद सर्किल होता है ग्रेट सर्किल होता है और सारे अच्छांश रेखाएं विश्व रेखा को छोड़कर हमारे किसके उदाहरण है स्मॉल सर्किल के उदाहरण है तो आपसे टीजीटी या पीजीटी दोनों जगह पे इस तरह के कभी कभी सरल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपको इनपे कंफ्यूज नहीं करना है बहुत अपनी संकल्पनात्मक समझ को साफ सुथरा रखते हुए अपने आंसर को यहां पे मार्क करना है अगला टॉपिक जैसे क्या है कि हमारे पास ये है कि चलिए ठीक है स्थितियों का निर्धारण हमने कर लिया लेकिन अब हम किसी भी जगह में जगह पे समय का निर्धारण किस तरीके से करते हैं आइए आपको उदाहरण से समझाते हैं जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है ठीक है और ये सूर्य है ये हमारा सन है तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा कर ले रही है तो जो भी हिस्सा यहां पे, जो हिस्सा मान लीजिए कि यहां पे पड़ेगा वहां पे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देंगी या कह लीजिए सरल भाषा में कि वहां उजाला पहले हो जाएगा फिर मान लीजिए कि पृथ्वी घूमी और जब पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूमी तो यहां से फिर उजाला यहाँ पे आ गया फिर घूमी तो ये यह उजाला यहाँ पे आ गया इस कुल मिला के जब तक हमने किसी एक मानक समय का निर्धारण नहीं किया था तो लोग जो है वहां के स्थानीय समय पर आश्रित थे और स्थानीय समय का निर्धारण वो सूर्य की स्थिति के आधार पर करते थे अगर मान लीजिए कि हमारी इमेज हमारी शैडो हमारी छाया सबसे छोटी बन रही है तो लोग ये मान के चलते थे कि नहीं इस समय जो है सूर्य हमारा या दोपहर के बारह बज रहे हैं क्योंकि सूर्य एकदम सीधे हमारे सर के ऊपर है तो इन इन मान स्थानीय स्तर पे तो चलिए ये सहायक था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पूरे विश्व के पैटर्न को समझा हमारे हमारा जो सांस्कृतिक विकास होता चला गया हमने जो अब डेवलप किया लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे तो हमें जरूरत महसूस हुई कि नहीं भाई समय का निर्धारण तो बहुत जरूरी है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाएं और समय ही सुनिश्चित ना हो तो हम अपनी रेलगाड़ियों का संचालन किस तरीके से करेंगे और सारी चीजों का संचालन किस तरीके से करेंगे तो इस चीज का एक समयों का निर्धारण करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाएंगे उसको यहाँ आइए हम आप सीख लेते हैं कि कैसे किया गया देखिए एक चीज है कि चौबीस घंटे में हम पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा लगा ले रही है बात क्लियर है तो चूंकि वो गोला है 360 डिग्री होती है उसमें तो 360 अंश का चक्कर पूर्ण करने में उसे 24 घंटे का समय लग रहा है तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे बात क्लियर है और तो अगर 360 अंश घूमने में इतने मिनट लग रहे हैं तो एक अंश घूमने में कितना लगेगा इसको हमने क्या कहते हैं तीन से भाग दे दिया तो छह छत्तीस और छह चौ चौबीस तो एक अंश बराबर चार मिनट इससे निष्कर्ष क्या निकला कि मान लीजिए कि हम इधर से सूर्य चमक रहा है और ये हमारा हिस्सा पूर्वी हिस्सा है और ये हमारा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है अब हम इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं तो इधर हमारे मान लीजिए कि यहां पर सूर्य की किरणें पहले पड़ी फिर हम धीरे से घूमे फिर यहां पड़ी तो अगर यहां से यहां के बीच में एक डिग्री का अंतर है तो मतलब चार मिनट बाद वहां सूर्य की किरणें पहुंचेंगी एक अंश बराबर हमारा जो है क्या कहते हैं चार मिनट हुआ तो समय के निर्धारण के लिए इन लोगों ने क्या, क्या क्या कि नहीं फिर यहां भी एक रेफरेंस होना चाहिए तो उस रिफरेंस के लिए यहां पर क्या हुआ कि जो भी ये जो प्राइम प्रधान मध्यान रेखा थी इसी को इन लोगों ने ग्रीन विच मीन टाइम कहा और इसी को एक रेफरेंस मान लिया ठीक है तो अब ये जैसे आप यहां पे आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा होगा इसमें अलग अलग एक एक घंटे के आधार पर चूंकि एक अंश बराबर चार मिनट था तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे तो साठ मिनट बराबर लगभग कितने के आ जाएगा पंद्रह डिग्री के तो पंद्रह डिग्री के आधार पर क्योंकि हमारा एक घंटा पंद्रह डिग्री के आधार पर होता है तो पूरी पृथ्वी पर पूरे ग्लोब पर एक एक घंटे के इस तरीके से चौबीस टाइम जोन बनाए गए और अगर यह माना गया कि प्राइम मेरिडियन पे अगर मान लीजिए कि बारह बज रहे हैं ठीक है तो इधर का जो पूर्वी गोलार्ध वाला हिस्सा है यहां पर उससे अलग अलग दूरी के आधार पर देशांतरी विस्तार के आधार पर समय में अलग अलग अंतर आता गया जैसे मान लीजिए कि ये प्राइम मेरिडियन है और इससे अगर कहीं पर प्लस थ्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर बारह बज रहे हैं तो वहां पर दोपहर के तीन बज रहे हैं क्यों हमने आपको यहां पे बात समझाई थी कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है और मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ पूर्व में पहले पड़ी तो यहाँ बारह पहले बच चुका है यहाँ की जो स्थिति आएगी यहाँ बारह बाद में बदेगा और जब हम प्राइम मेरिडियन पे पहुंचे तो हमारा बारह तो एक रिफरेंस के तौर पर ये निकाला गया कि जो बारह बजे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बारह नून हो रहे हैं ग्रीन विच मीन टाइम जोन में ठीक है इस जगह पे अगर बारह बज रहे हैं तो जितना भी हम पूर्वी गोलार्ध में जितने भी अच्छांश हम आगे बढ़ेंगे मान लीजिए कि अगर जीरो डिग्री पे बारह बज रहे हैं और आपसे कोई यह बताइए कि वहां 15 डिग्री ईस्ट दिशांतरी रेखा पे क्या टाइम होगा तो हमने आपको यह बताया था कि एक अंश बराबर चार मिनट तो जहां पर सॉरी एक अंश बराबर अगर चार मिनट है तो जहां पंद्रह डिग्री का अंतर आ रहा है जहां पंद्रह डिग्री का अंतर आ रहा है वहां हम किससे चार से गुणा कर देंगे तो साठ मिनट का अंतर आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप इधर ईस्ट की तरफ जाएंगे आपका समय आगे की ओर हो जाएगा मतलब वहां पे दोपहर के एक बज रहे होंगे और अगर आप इससे एक घंटा मतलब पंद्रह डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका समय मतलब एक घंटा पीछे होगा और वहां पर दोपहर के ग्यारह ही बज रहे होंगे तो ये पूरा हमारा इसके आधार पर हमने समय को बांटा है और अगर आप इससे समस्या ये आ रही थी कि बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले जो देश हैं वहां पर जैसे अगर आप देखिए तो रूस में लगभग 11 टाइम जोन्स हैं लेकिन फिर भी इसने इसको कॉन्साइज करके आठ स्टैंडर्ड टाइम को अपने मेंटेन किया है चीन में देखिए तो लगभग पांच टाइम जोन है लेकिन उसने बीजिंग से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा है उसके आधार पर अपने पूरे कंट्री के टाइम को माना है इसी को हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं भारतीय संदर्भ में हम आपको एक उदाहरण यहाँ पे दे देते हैं अगर भारत के संदर्भ में आप देखिए तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो अड़सठ डिग्री सात मिनट से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट के आसपास सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट तो अब समस्या ये आ रही थी कि अगर हम भारत में ही देखें तो इनका अगर अंतर निकाल दीजिए तो लगभग आ जाएगा उनतीस डिग्री मिनट के आसपास उनतीस डिग्री अठारह मिनट और अभी जो अभी हमने सीखा कि एक अंश का अंतर कहीं आता है तो वहां पे चार मिनट का अंतर आएगा इसको हम लगभग तीस डिग्री अगर मान लें ठीक है तो 120 मिनट हुए तो इसका ये मतलब हुआ कि लगभग गुजरात में असम और अरुणाचल प्रदेश के इन्हीं दोनों स्थानों पर लगभग दो घंटे का अंतर आ जाता है तो इससे हमें बहुत दिक्कत होती है अपने ट्रेनों के संचालन में तो हमने क्या किया जो देश के बीचों बीच से गुजरने वाली जो भी साढ़े बयासी अंश पूर्वी देशांतर रेखा है साढ़े बयासी अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हमने आई मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को के लिए इसी मानक समय मानक समय रेखा का इस्तेमाल किया और इसके ही आधार पर पूरे भारत में समय का निर्धारण होता है जिससे मान लीजिए कि हम यहाँ से चार घंटे की जर्नी करके मान लीजिए किसी जगह पहुंचे तो हम यहां से चार घंटे के ही अंतर पे वहां जो मान लीजिए बारह बजे चले तो वहां हम चार बजे पहुंच गए तो वहां भी चार ही बज रहे हैं तो पूरे देश के लिए जो एक मानक समय का निर्धारण किया गया है वो साढ़े बयासी अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में एक मानक समय रेखा के तौर पर माना गया है आइए आज का जो सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय है उसको यहां हम समझ लेते हैं अगर आपको ये बात हम समझाने में सक्षम रहे तो हमारा जो आज का उद्देश्य था संकल्पनात्मक स्तर पर आपकी समझ को विकसित करने का वो पूर्ण होगा अभी हमने आपको यहाँ क्या बात समझाई हमने अभी हमने आपको ये बात समझाई कि जैसे ये जो ग्रीन बिच मीन टाइम जोन है या रेखा है इससे आप जितना भी ईस्ट की तरफ जाएंगे आपका समय क्या होगा बढ़ जाएगा और इससे अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका समय क्या होगा वो समय कम हो जाएगा मान लीजिए कि अगर यहां पर बारह बज रहे हैं तो अगर प्लस थ्री टाइम जोन में अगर आप गए तो वहां पर तीन बज रहे थे अगर इसी तरीके से आप पश्चिमी गोलार्ध में कहीं पर माइनस छ लिखा है इसका मतलब अगर यहां दोपहर के बारह बज रहे हैं तो वहां सुबह के छह बज रहे थे अब आपके सामने एक स्थिति को हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यहां दोपहर के बारह बज रहे हैं यहां पे बारह पीएम हो रहा है तो एक एक घंटे के अंतर पे जो है क्या कहते हैं इधर टाइम जोन है और इधर टाइम जोन है तो अगर मान लीजिए जीरो डिग्री पर बारह बज रहे हैं तो 180 डिग्री वेस्ट पे अगर आप जाएंगे तो लगभग यहां पर चूंकि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह मतलब बारह घंटे पीछे का समय होगा तो मतलब यहां पे बारह पीएम हो रहे थे तो यहां पर क्या हो रहा होगा बारह एएम हो रहा होगा मतलब यहां जो भी समय हो रहा होगा उससे 12 घंटे पीछे का समय होगा ठीक है और अगर आप इसके पूर्वी गोलार्ध में जाइए तो यहां पर भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मतलब प्राइम मिरीडियन पे जो टाइम हो रहा होगा उससे 12 घंटे आगे का समय हो रहा होगा तो यहां पे एक बड़ा विरोधाभास की स्थिति बन रही है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये कैसे संभव है कि यहां पर बारह घंटे पहले का भी समय हो और बारह घंटे बाद का भी समय हो तो ये बहुत अपने आप में एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है विरोधाभासी स्थिति हो जा रही है तो एक्चुअल में यही समझने की जरूरत है कि जो 180 देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है ईस्ट ईस्ट और वेस्ट जो डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा है एक्चुअल में इसी रेखा पे अगर आप देखिए तो जो आपका ये जो 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद का समय हो रहा है एक्चुअल में यहीं पर आपकी तारीख बदल रही है इसीलिए जो 180 अंश देशांतर रेखा है इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं मान लीजिए कि अगर एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आज कोई भी तारीख है मान ले रहे हैं हम मान ले रहे हैं छब्बीस जून है तो अगर आप छब्बीस जून की एकदम बारह बजे रात में अगर आप यहां खड़े हैं एक अंश अस देशांतर रेखा पे ठीक है तो इस समय एकदम रात 12 बजे 180 अंश देश, देशांतर रेखा पे अगर 12 बज रहे हैं तो पूरे ग्लोब पर एक ही तारीख है मतलब उस पूरे ग्लोब पर इस समय 26 तारीख ही है जैसे ही एक कदम आप इधर की ओर बढ़ाते हैं तो ये 26 तारीख की अगली मॉर्निंग है एकदम भोर का समय है और अगर आप एक कदम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये 26 तारीख की एकदम रात है मतलब दोनों जगहों के बीच में 24 घंटे का अंतर है अभी हम आपको एक फ्लाइट का उदाहरण देंगे उससे आप ये बात समझेंगे तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके मान लीजिए पैसेफिक को क्रॉस करके आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट की ओर तो आपका जो कैलेंडर है उसे आप एक दिन के लिए फॉरवर्ड कर देंगे एक दिन के लिए बढ़ा देंगे और अगर आप इधर की ओर आ रहे हैं तो आपका जो कैलेंडर है वो एक दिन का कम होगा घबराइए नहीं अभी हम एक जहाज के उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे इस बात को कुल मिला के कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये तो 12 बजे रात का समय हम आप, आपको उदाहरण हमने दिया कि मान लीजिए ठीक बारह बजे रात में आप इंटरनेशनल डेट लाइन पर यहां हैं ठीक है तो जब आप ठीक 12 बजे इंटरनेशनल डेट लाइन पे हैं तो पूरे ग्लोब पर एक ही तारीख है लेकिन जैसे आप इसके इधर आए आप मतलब इस तरफ हैं, इसके इंटरनेशनल डेट लाइन के दाहिने हाथ की तरफ है तो आप ये देखेंगे कि यहां पर 26 तारीख की एकदम अर्ली मॉर्निंग है और यहां पर छब्बीस तारीख की एकदम आ, मतलब बारह बजे से पहले का कुछ समय है लेकिन यही स्थिति अगर हम एक एम की ले लें बज रात के एक घंटे बाद मतलब एक बजे की ले लें तो अगर यहां पर आप देखिए तो 26 तारीख की इस हाथ पर 26 तारीख की एकदम अर्ली मॉर्निंग है लेकिन वही इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर आप इधर जा रहे हैं तो वहां 26 तारीख का रात 12 बजे बदल कर 27 तारीख का मॉर्निंग का एक बज गया है तो यहीं पर हमारी वो तारीख बदल जाती है तो 180 सौ अस्सी अंश अस देशांतर रेखा को हम क्या करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और ये जो तिथि रेखा है आप देख रहे होंगे कि एक सीधी सरल रेखा ना होकर दो तीन जगह से मुड़ी हुई है जैसे यहां से मुड़ी हुई है फिर उसके बाद फिर मुड़ी हुई है तो इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि, कि किसी भी जो स्थली देश है जैसे मान लीजिए कि, कि कोई भी आईलैंड अगर है यहाँ का एल्यूशन आईलैंड वाला जो भी हिस्सा था अगर हम उससे तिथि रेखा को गुजार देते तो समस्या ये होती कि आधे देश में दूसरी तारीख होती और आधे देश में दूसरी तारीख होती देश के आधे बच्चे छुट्टी मना रहे होते और आधे बच्चे स्कूल में बैठे होते तो इस तरीके का एक बड़ा एक क्स क्रिएट होता तो इस तरीके से बचने के लिए अपनी सुविधा से हमने इस रेखा को तमाम जो लोग जिम्मेदार संस्थाएं थी उन्होंने इसका निर्धारण इस आधार पर किया है आइए हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं अभी तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं अभी तक हमने आपको ये बात समझाई कि अगर मान लीजिए कि प्राइम मेरिडियन पे कोई भी 12 बजे का समय हो रहा है इस तरह के आप लोगों से टीजीटी सोशल साइंस में पीजीटी ज्योग्राफी में तो पहले आते थे लेकिन आजकल इस तरह के प्रश्न नहीं आ रहे हैं लेकिन कई बार आपको देशांतरी विस्तार दे दिया जाता था और ये बता दिया जाता था कि प्राइम मेरिडियन पे इतना बज रहा है तो वहां कितने बज रहे होंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा अगर आपके प्रश्न में प्राइम मेरिडियन का समय दिया गया है मान लीजिए जीरो डिग्री प्रधान मध्यान्ह रेखा का समय दिया गया है और जो वो देशांतर अगर वेस्ट मतलब अगर ये लिखा हुआ है कि 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का वेस्ट का है ठीक है तो जो भी समय इसके लिए दिया गया है उस समय में से जितने का अंतर है उसको आप चार से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट करके समय से घटा देंगे मान लीजिए अगर 25 डिग्री वेस्ट का टाइम आपसे पूछ रहा है तो एक अंश बराबर चार मिनट तो 25 डिग्री वेस्ट पर कितने का अंतर आ जाएगा 100 मिनट का अंतर आ जाएगा तो जो भी समय यहां से दिया गया होगा उससे आप 100 मिनट घटाकर यहां के समय से संबंधित विकल्प को टिक कर देंगे वहीं पर अगर आपसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए या पूर्वी गोलार्ध में बात की जाएगी तो आप इसी समय को जोड़ देंगे जो भी समय यहाँ प्राइम मेरिडियन के लिए दिया गया वो आप जोड़ देंगे तो यहां पे देखिए आपको इस मैप में बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि जो है क्या कहते हैं कितने टाइम जोन में है अगर प्राइम रेडियन जो समय हो रहा है तो अलग अलग देशों में समय की स्थिति क्या होगी जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए तो अगर यहाँ भारत में देखिए तो प्लस साढ़े पांच लिखा है तो अगर प्राइम रेडियन आपका जीरो बारह बज रहे हैं तो यहाँ शाम के साढ़े पांच बज रहे होंगे वहीं अगर आप इधर देखिए जो है कनाडा में तो माइनस सात है ठीक है तो माइनस सात का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से बारह बज रहे हैं तो इससे सात घंटे पीछे का समय हम आपको बस ये समझाना ये चाह रहे हैं कि जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को पैसेफिक क्रॉस करके इस क्षेत्र से उस क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने कैलेंडर को एक दिन एडवांस कर देंगे और अगर मान लीजिए आप रशिया की तरफ से अमेरिका की तरफ पैसेफिक ओशन को क्रॉस करके आ रहे हैं तो आप अपने कैलेंडर को एक दिन पीछे कर देंगे इसका उदाहरण हम आपको यहां समझा देते हैं यहां पे आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी लॉस एंजल से सिडनी के लिए ठीक है कोई फ्लाइट उड़ी बात क्लियर है मान लीजिए लॉस एंजल्स में आप ने कोई भी फ्लाइट पकड़ी सिडनी के लिए और मान लीजिए तारीख थी तीन मई तीन मई को सात पीएम पे आपने एक फ्लाइट पकड़ी ठीक है कि हम सिडनी जा रहे हैं और आपकी जो जर्नी है वो जर्नी है आपकी चौदह घंटे की बहुत सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझिए तो अगर मान लीजिए कि आप लॉस एंजल से चले और आप यहां देख रहे हैं कि लॉस एंजल्स का जो टाइम जोन है वो यहां पे माइनस सेवन है ठीक है तो आप मान लीजिए सात पीएम पे यहां चले और चौदह घंटे की जर्नी थी तो आपने चौदह घंटे अपनी घड़ी से जोड़ा कि यार हम सात बजे हमारी प्लेन उड़ रही है तो आज तीन तारीख है तो सात में बारह घंटे जोड़ेंगे तो सुबह सात बजे और दो घंटा और जोड़ेंगे तो इसका मतलब सुबह नौ बजे मतलब चार तारीख को चार मई को हम सुबह नौ बजे हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए बात समझ में आ रही है तो आपका आपको एक जो जैसे नॉर्मल रूटीन में हम लोग ये ले, बात लेके चलते हैं कि ठीक है भाई हम यहां से सात बजे चले तो हम चौदह घंटे की जर्नी करके हम वहां चार मई को सुबह बजे वहां पहुंच जाएंगे ठीक अब आइए समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कैसे चीजें हो रही हैं। अब तीन मई को मान लीजिए कि यहां था ट्यूसडे, बात क्लियर है तो अगर जब तीन मई थी लॉस एंजल्स में और सात पीएम बज रहे थे तो उस समय ग्रीन मीन टाइम पे क्या हो रहा होगा क्योंकि ये देखिए यही जीरो पे है ये माइनस सात पे है तो मतलब अगर यहां से सात घंटा पीछे है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इधर से जब इस ओर आ रहे हैं हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या इससे अपने दाहिने हाथ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो ग्रीन बीच पे टाइम रहा होगा वो सात घंटे आगे का समय रहा होगा तो जब हमारा यहाँ पे सात पीएम थे तो उसमें हमने पांच घंटे और जोड़े बारह बज गए और दो मतलब टू ए हो रहा होगा अब चूंकि बारह बजे का समय क्रॉस हो गया है तो यहां तारीख क्या हो गई होगी चार मई हो गई होगी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप सिडनी को देखिए तो यहां से ग्रीन विच मीन टाइम जोन से 10 घंटे का आगे का समय है तो जब यहां पर लॉस एंजल्स में तीन मई थी और सात बज रहा था उसी समय ग्रीन विच मीन टाइम पर चार मई थी और दो बज रहा था और सिडनी में क्या होगा इससे दस घंटे आगे का समय तो इसका मतलब दो में आठ आपने हाँ जोड़ा तो सुबह के दस बजे और दो और जोड़ा तो बारह मतलब दस घंटे आगे का समय मतलब यहां पे ट्वेल्व पीएम हो रहे थे और तारीख थी चार मई क्लियर है देखिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि मान लीजिए लॉस एंजल्स से कोई फ्लाइट तीन मई को शाम को सात बजे उड़ी ठीक है लॉस एंजल्स आपका ये है ठीक है ये और ये पैसिफिक को क्रॉस करके इधर सिडनी की ओर आ रही क्योंकि अगर ये इधर से जाएगी तो इसको बहुत अधिक लंबी जर्नी करनी पड़ेगी तो ये इस ओर से पैसिफिक ओशियन पैसेफिक इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके जा रही है तो जब ये यहां लॉस एंजल्स में तीन मई को शाम को सात बजे उड़ रही थी उसी समय ग्रीन विच मीन टाइम पे जो समय हो रहा था वो आपका हो रहा था क्या कहते हैं दोपहर रात के दो बज रहे थे और तारीख थी चूंकि बारह बजे के बाद हो गया था तो तारीख हो गई थी चार मई और सिडनी में उसी समय चार मई को दोपहर के बारह बज रहे थे अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आप समझिए कि अगर चौदह घंटे की जर्नी करने के बाद लॉस एंजल्स में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि हम तो यार तीन को चले हैं चार को पहुंच जाएंगे मतलब ट्यूसडे को चले हैं तो हम वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे सुबह नौ बजे तक ठीक लेकिन चूंकि उसी समय यहां पर सिडनी में चार तारीख हो चुकी थी और बारह बज के पीएम मिले थे तो चौदह घंटे की जर्नी ऐड करने के बाद ठीक है चौदह घंटे जब यहां से फ्लाइट उड़ रही थी तीन मई को सात बजे तो सिडनी में बारह बज चार मई की दोपहर के बारह बज रहे थे तो चौदह घंटे की जर्नी और जोड़ दीजिए तो बारह पीएम से बारह घंटे मतलब रात के बारह बजे तो वहां तारीख आपकी बदल जाएगी पांच मई हो जाएगी और इसमें अगर आप चौदह घंटे की जर्नी ऐड कर देंगे तो आपका समय हो जाएगा टू एम और तारीख हो जाएगी पांच मई और दिन हो जाएगा आपका थर्सडे क्लियर है तो कुल मिला के देखिए यहां जो व्यक्ति थे वो चले तीन मई को उनको लगा हम चार को पहुंच जाएंगे जब आप वो सिडनी एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं तो देख रहे हैं अरे यहां तो पांच तारीख है हम तो चौदह ही घंटे की जर्नी करके आए और यहां पांच तारीख दिन है थर्सडे तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको ये समझाया था कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके इधर आ रहे हैं तो आपको अपने कैलेंडर को एक दिन एडवांस कर देना पड़ेगा तो एक्चुअल में इस उदाहरण से उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने के बाद हमारा अगर हम मान लीजिए यूएसए से रशिया की ओर जा रहे हैं तो हमें अपना कैलेंडर एक दिन के लिए एडवांस करना पड़ेगा और अगर हम रशिया से यूएसए की ओर जा रहे हैं तो हमें अपना एक कैलेंडर एक दिन पीछे करना पड़ेगा तो आप सभी को बहुत धन्यवाद कि जो है उम्मीद है कि जो भी संकल्पनात्मक स्तर पर हमने आपको पाठ्यक्रम की समझ बताई संस्थान की अपनी प्रतिबद्धता या संस्थान आगे किस तरीके से लेकर आपके पाठ्यक्रम को मूव करेगा हम आपकी तैयारी में किस तरीके से सहायक होंगे और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि ठीक है रोजगार अपनी जगह है लेकिन अगले तीस सालों तक विषय की दशा दिशा को सुनिश्चित करने का माध्यमिक स्तर पर दायित्व तो या जिम्मेदारी आप सभी को मिलने वाली है तो इन्हीं सभी इन सभी बातों के साथ हम आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अपना आशीर्वाद प्रेषित करते हैं बस जाते समय आपसे एक बात कहना चाहते हैं लड़िए बहुत मगर हार जाने की खातिर कि आपका अपना तरीका हो हर किसी से जीत जाने का बहुत शुभकामनाएं ढेर सारा आशीर्वाद